हरे कृष्ण। तो पंचकोश विकास श्रृंखला के इस 20वें कड़ी में आपका स्वागत है। अब हम चर्चा करेंगे देश का पंचकोश। तो जैसे व्यक्ति का पंचकोश हमने देखा, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञान विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जैसे व्यक्ति के अन्नमय कोश को जब हम देखते हैं तो उसका स्वास्थ्य देखते हैं, जिस जो पंचमहाभूतों से उनका शरीर जो बनता है वो उसका अन्नमय कोश होता है। तो वैसे ही देश का अन्नमय कोश क्या हो सकता है, उस पर हमें विचार करना है। प्राणमय कोश, जैसे हम व्यक्ति का देखते हैं जब प्राणमय कोश, तो उसमें उसकी हम जो हुनर, टैलेंट्स, स्किल्स, ये देखते हैं, कला को देखते हैं। तो वैसे ही एक परिवार की भी हमने वो देखा कि प्राणमय कोश क्या होता है, वैसे ही देश का प्राणमय कोश क्या है, वो आज हम विचार करेंगे। तो मनोमय कोश, संवेदनशीलता अगर एक व्यक्ति के अंदर हो तो वो उसका प्राणमय कोश सुदृढ़ है, ऐसे हमने कहा था। तो देश का मनोमय कोश का मतलब क्या है, उस पर विचार करेंगे। विज्ञानमय कोश जब हम देखते हैं तो पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, तो उसकी विवेक शक्ति, उसको हम देखते हैं, जिससे पता चलता है कि उसका विज्ञानमय कोश कितना शुद्ध है। तो वैसे ही देश का विज्ञानमय कोश क्या है, तो आइए हम इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहले अन्नमय कोश देश का, उसमें क्या क्या समाविष्ट है। तो देश का जो अन्नमय कोश है उसमें सर्वप्रथम इस देश में गायों की संख्या कितनी है, गाय जो हमारी माता है तो उनकी संख्या कितनी है, उनके साथ व्यवहार कैसे हो रहा है। फिर साधुओं की, संतों की कितनी संख्या आज देश में है, उससे पता चलता है कि इस देश का अन्नमय कोश कितना सुदृढ़ है। फिर वैसे ही वरिष्ठ नागरिक, फिर तथा स्त्रियां तथा बालक, ये सारे इस देश में इनका कैसी अवस्था है, इससे अन्नमय कोश कैसा है वो पता चलता है। फिर जनसंख्या कितनी है, फिर मिट्टी की उपजता, द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वो कैसी है। उसी के साथ साथ जो नदियां हैं वो कितनी नदियां हैं, कितनी पानी से भरपूर रहती है पूरे वर्ष भर। फिर वन कितने हैं, वन्य जीवन, वन्य जीव कितने सारे हैं भारत में। फिर प्राकृतिक धन, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, वो इस देश में कितना है। तो इन सब से फिर फेवरेबल सीजन्स, ऋतु, अलग अलग ऋतु कितने हैं और वो अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह सब कुछ जब इसका विचार होता है तब हम उस देश के अन्नमय कोश के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वैसे ही प्राणमय कोश, देश का प्राणमय कोश यानी स्किल्स एंड बेसिक रिस्पॉन्स, ये अगर देखना है देश का तो इनकी राजनीति, राज व्यवस्था कैसी है, अच्छी है या बुरी है, आसुरिक है या दैवी है। फिर इनका एग्रीकल्चरल ग्रोथ, इनका जो कृषि में वृद्धि वो कैसी है, इनका उद्योग, उद्योग में वृद्धि है क्या, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा है, इनके सेना का बल कैसा है, मिलिट्री स्ट्रेंथ। फिर वैज्ञानिक प्रगति इनकी हो रही है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर एजुकेशन एंड लिटरेसी, शिक्षण व्यवस्था, साक्षरता। फिर सांस्कृतिक परंपरा और ये जो परंपरा का धरोहर जो इस देश में है उसका पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, तथा सबको रोजगार प्राप्त हो रहा है, नहीं हो रहा है, अर्थार्जन की यहाँ पर व्यवस्था कैसी है। तो इन सब से प्राणमय कोश को देखा जाता है। फिर मनोमय कोश अगर हमें देखना हो तो मनोमय कोश के लिए दैनंदिन घटनाओं का प्रतिसाद इनकी मीडिया कैसे देती है, सरकार जो है वह राष्ट्रीय, सामाजिक या राजनैतिक, आर्थिक मसलों पर वो अपना प्रतिसाद कैसे देती है, तथा जो जब भी नैसर्गिक आपत्ति हो तो आपत्ति के काल में ये जो नागरिक हैं देश के वो किस प्रकार से सहभाग देते हैं, किस प्रकार की सेवा का कार्य करते हैं,
कितने तत्परता से करते हैं, क्या है? वो कटिबद्ध है, दूसरों के लिए मदद का हाथ देने के लिए, तो उससे भी पता चलता है कि मनोमय कोश कैसा है। फिर जीवन शैली, नागरिकों की जीवन शैली कैसी है, क्या वो सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इस सूत्र पर जीते हैं, या बहुत सारा उटपटांग, बहुत सारा खर्चा करते हैं लाइफस्टाइल पे, फैशन पे। फिर इस देश में अपराध की जो रेट है, क्राइम रेट, डाइवोर्स रेट, ये सब भी देखा जाता है, जिससे मनोमय कोश उस देश का क्या है वो पता चलता है। फिर आध्यात्मिक साधना, क्या नागरिक इसमें रुचि रखते हैं, उत्सवों का सेलिब्रेशन होता है, तो यह जब देखा जाता है देश में, और उन उत्सवों का जो सेलिब्रेशन है ये कैसा किया जाता है, जैसे विधि है, जैसे संस्कृति है, उस प्रकार से किया जाता है, या उसमें भी प्रदूषण आया है, तो यह सब देख जब हम देखते हैं तो वो मनोमय कोश पता चल जाता है देश का। वैसे ही ज्ञान विज्ञानमय कोश देश का अगर देखना हो, तो उस देश के जो नियम हैं, क्या क्या पॉलिसीज हैं, धर्म के रक्षण के लिए क्या क्या पॉलिसीज हैं, फिर इनके शिक्षण व्यवस्था के क्या क्या पॉलिसी है, फिर समाज की जो व्यवस्था है वो कैसी है, तो उसमें ऊंच नीच ज़्यादा दिखती है क्या, फिर पर्यावरण में समरसता, लाइक एनवायरमेंटल हार्मनी, इज इट देयर, व्हाट आर दे डूइंग फॉर इट, तो यह सब का जब विचार होता है, इनकी आर्थिक योजना, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, उससे भी पता चलता है कि इनका विज्ञानमय कोश इस देश का कैसा है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इन फिर व्हाट इज द नेशनल नैरेटिव, इज द हिस्ट्री ग्लोरियस ऑफ दिस नेशन, हाउ आर दे प्रिजर्विंग दिस नैरेटिव, इससे भी ज्ञान विज्ञानमय कोश देश का पता चलता है। हाउ इज द जुडिशियल पावर ऑफ दिस कंट्री, और व्हाट इज द कंट्रोल ऑफ द मार्केट, तो ये सारी चीजों पर जब विचार होता है तो उसका ज्ञान विज्ञानमय कोश जो है उससे देखा जाता है। अंत में आता है आनंदमय कोश, तो आनंदमय कोश में यह देश का वजूद क्या है, वह किस लिए खड़ा है, वह सारे विश्व के लिए, उनके हित के लिए, उनके कल्याण के लिए ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसमें अपना योगदान क्या दे रहा है, वह उससे पता चलता है कि इसका आनंदमय कोश कितना अच्छा है। इनकी फॉरेन पॉलिसीज क्या है, तो इन सबसे उसका आनंदमय कोश की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम देखते हैं कि देश का अगर पंचकोश देखना है तो इसके ये सारे अलग अलग आयाम, जो अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, ज्ञान विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, इनमें हमें क्या क्या मूलभूत चीज़ें देखनी है, उसका हमने आज विचार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।